हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने थ्री फेज इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शंस के बारे में आप लोगों को डिटेल बताया था, जिसमें कि हम लोग स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर के बारे में बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर है। तो मैंने जो स्ट्रक्चर बताया था कि उसका फ्रेम होता है ना, स्टेटर का फ्रेम है, तो देख सकते हैं ये फ्रेम और इसके अंदर में जो आपका रोटर, जो ये एक्चुअली स्क्वायरल केज टाइप का इंडक्शन मोटर है। तो मैंने स्क्वायरल केज में बताया था कि सिंपली सिंगली फेड इंडक्शन मोटर होता है, मतलब उसका जो सप्लाई होता है सिर्फ स्टेटर वाइंडिंग में होता है, देख सकते हैं। तो आज की जो क्लास है कि एक्चुअल में जब हम लोग यहाँ पर थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं तो व्हाट विल हैपन, दैट्स द मोटर विल स्टार्ट। तो क्या ऐसा है यहाँ पर, इसके अंदर में क्या होगा कि मोटर जो है कि आपका स्टार्ट होगा। तो आज का जो क्लास है वो क्लास में बेसिकली मैं बताने जा रहा हूँ कि जो थ्री फेज सप्लाई जब हम लोग देते हैं स्टेटर वाइंडिंग में, देन द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल बी जनरेटेड। सो हाउ व्हेन थ्री फेज सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर ऑफ द वाइंडिंग, देन देयर इज अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल बी जनरेटेड। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, जिसमें आप लोगों को आज जब सप्लाई देते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर में तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट, व्हेन थ्री फेज सप्लाई इज गिवन देन हाउ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल बी जनरेटेड। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए एंड थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, इस थ्योरी को, इस कॉन्सेप्ट का पूरा कंप्लीट नॉलेज आपको हम देने जा रहे हैं। सो ओके, यदि चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप लोगों को आज कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि हाउ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बी जनरेटेड इन ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर। सो हम लोग इस लेक्चर में मशीन के अंदर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगा और उसका वर्किंग प्रिंसिपल दोनों को समझते हैं। तो एक्चुअली यदि हम लोग बात करना चाहेंगे कि इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल, तो जैसा कि आप लोग ट्रांसफार्मर में पढ़े हैं कि जो हम लोग का फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे जो काम, सिमिलरली हम लोगों का जो इंडक्शन मोटर है सेम प्रिंसिपल पे हम लोगों का जो है इंडक्शन मोटर का भी वर्किंग है, दैट इज फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक्चुअली ट्रांसफार्मर के केस में आप लोग क्या जानते हैं, प्राइमरी साइड होता है आप लोगों का, एक क्या होता है सेकेंडरी साइड। तो सिमिलरली यदि हम लोग बात करते हैं कि इन ट्रांसफार्मर पर इंडक्शन मोटर में हम लोग स्टेटर जो है साइड को प्राइमरी साइड मानते हैं, मतलब प्राइमरी जो स्टेटर है, स्टेटर जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग का रोटर स्टेटर होता है, स्टेटर जो है वो ट्रांसफार्मर का क्या है यहाँ पर प्राइमरी है। और जो रोटर का बात करते हैं वो रोटर आपका क्या है सेकेंडरी साइड, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड। ठीक है, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम कर रहा है यहाँ पर, जो हम लोग स्टेटर पे जो भी सप्लाई दे रहे हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिकल डोमेन से मैग्नेटिक डोमेन से आप लोग का मैकेनिकल डोमेन में जो हम लोग का एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, किस केस में, इंडक्शन मोटर में। सो ये हम लोग का जो पावर कन्वर्जन सही फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो है ही, तो जिसके कारण जो हम लोग इंडक्शन मोटर इज ऑल्सो नोन एज रोटेटिंग ट्रांसफार्मर। ओके, सो एक्चुअल में हम लोग जब थ्री फेज सप्लाई देते हैं इंडक्शन मोटर में, ओके, तो जब जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हम लोग का वाइंडिंग में जो स्टेटर का वाइंडिंग है और ये तीन फेज सप्लाई, तो थ्री फेज का यदि आप लोग का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसे भी जो थ्री फेज का जो कॉन्सेप्ट है, थ्री फेज का मतलब आप लोग क्या जानते हैं कि सिंपल ये 120 डिग्री जो शिफ्टेड होता है आपस में, मान लेते हैं कि आपका फेज ए है, ठीक है, और इसको हम लोग फेज बी मान लेते हैं एंड दिस इज फेज सी। तो जब थ्री फेज सप्लाई हम लोग जब वाइंडिंग में देंगे तो क्या होगा कि हम लोग रोटेट करेगा, ये सब क्या है 120 डिग्री शिफ्टेड है आपस में, 120 डिग्री। और हम लोगों का जो मैकेनिकल का बात करेंगे मैकेनिकली, ओके, थ्री फेज बैलेंस सप्लाई, यहाँ पर हम लोग क्या बात करते हैं कि
थ्री फेज बैलेंस सप्लाई, थ्री फेज बैलेंस सप्लाई, ओके। सो थ्री फेज बैलेंस सप्लाई 120 डिग्री स्पेशली शिफ्टेड, 120 डिग्री स्पेशली शिफ्टेड शिफ्टेड शिफ्टेड। एंड जो फिजिकली यदि बात करेंगे हम लोग जो कॉइल होता है 120 डिग्री डिग्री अपार्ट होता है। सो दीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोड्यूसेस ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो ये हम लोग का जो थ्री फेज सप्लाई जो एक्चुअल हम लोग दे रहे हैं और वाइंडिंग्स का जो स्ट्रक्चर है मैकेनिकली 120 डिग्री शिफ्टेड है, तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू प्रोड्यूसेस ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूसेस ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक्चुअल में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जो फ्लक्स हम लोग का जो जनरेट हो रहा है जब हम लोग थ्री फेज सप्लाई देते हैं, तो थ्री फेज करंट का बात करते हैं। तो जैसे हम लोग थ्री फेज करंट जब हम लोग बात करते हैं तो सिंपली आप लोग को पता होगा इक्वेशंस भी आई ए इज इक्वल टू दैट इज आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, और जो आई बी इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। नाउ आई सी इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। तो सिमिलर करंट के कारण जो हम लोग को फ्लक्स प्रोड्यूस होगा फेजेस में वो सेम हम लोग का शिफ्टेड होगा 120 डिग्री शिफ्टेड होगा। तो जो हम लोग जब साइनसोइडल्स जब हम लोग साइनसोइडल सप्लाई थ्री फेज सप्लाई एक्चुअल हम लोग देंगे तो फ्लक्स का रोटेशन होने लगेगा। और रोटेशन कैसे होगा जो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये हम लोग थ्री फेज सप्लाई दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपका मान लेते हैं कि फेज ए है, जस्ट वेट वन मिनट। ये जैसे कि हम लोग का क्या है, ये फेज इसको ए मान लेते हैं, ये आपका फेज बी मान लेते हैं, और ये फेज सी मान लेते हैं। तो एज टाइम पासेस तो हम लोग का क्या हो रहा है, जैसे कि ये यहाँ पर सिंपल वे में जैसे कि हम लोग एक पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, ये पॉइंट यहाँ लेते हैं, सी पॉइंट यहाँ लेते हैं, ठीक है। तो इसको यदि हम लोग इस तरह से पॉइंट में डिवाइड कर देते हैं, अभी इस तरह से हम लोग पॉइंट में डिवाइड कर रहे हैं छोटा छोटा 60 डिग्री में, ठीक है। इसको छोटा छोटा पॉइंट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, एट ए इंस्टेंट जब टाइम पासिस हो रहा है उस समय हम लोग देख सकते हैं कि एट इंस्टेंट में हम लोग का फेज बी मैक्सिमम पॉजिटिव होगा, फिर उस समय हम लोग का ए एंड सी जो है कि नेगेटिव हाफ होगा। तो उस रोटेशन में जैसे कि ये टाइम के साथ में ये क्या है टी, ठीक है। अभी हम लोग का थ्री फेज सप्लाई, ये एक्चुअल में हम लोग का है क्या थ्री फेज सप्लाई। जैसे कि जैसा हम लोग स्टेटर में थ्री फेज सप्लाई देंगे तो करंट साइनसोइडल नेचर का है हम लोग के पास, सो फ्लक्स जो इंड्यूस्ड होगा वो तो साइनसोइडल है ही, लेकिन रोटेशन का यदि हम लोग बात करेंगे तो ये रोटेशन कैसे होगा। सो ये फेज ए फेज बी फेज सी, तो फ्लक्स फ्लोइंग फेज ए एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, बी एल्सो एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, सी एल्सो इन एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ओके एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। सो यहाँ पर हम लोग जैसा कि जानते हैं ये फेज ए है, ये फेज बी है, एंड ये फेज सी है, ए बी एंड सी 120 डिग्री, ओके। सो एक्चुअल में जैसे ही हम लोग यहाँ पर थ्री फेज सप्लाई दे दिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फेज ए, तो फेज ए का जो मैं रिजल्टेंट जो फ्लक्स हम लोग को फेज ए का जो फ्लक्स का बात करेंगे वो फ्लक्स हम लोगों का जैसे कि ए है तो ए के डायरेक्शन में क्या होगा मैक्सिमम हम लोग का फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स होगा, ठीक है। क्या होगा मैक्सिमम फ्लक्स होगा। अब यहाँ पर यदि हम लोग बात करेंगे बी एंड सी, तो बी एंड सी बी एंड सी क्या हो रहा है यहाँ पर कि नेगेटिव और हाफ हो रहा है। तो बी का नेगेटिव का मतलब देख रहे डायरेक्शन के इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा और सी के इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा। तो रिजल्टेंट जो फ्लक्स हो रहा है वो रिजल्टेंट फ्लक्स हम लोगों का एक्चुअल में वो क्या हो रहा है कि हम लोगों का इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फ्लक्स है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फ्लक्स है। ये हम लोगों का इस पॉइंट के लिए ए के लिए होगा। सिमिलरली हम लोग बी के लिए बात करेंगे, बी के लिए तो बी में क्या हो रहा है देख सकते हैं बी का डायरेक्शन क्या है, इसके साथ में नहीं बना रहा हूँ मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। तो बी का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब बी का डायरेक्शन इस तरह से है जैसे टाइम पास हो रहा है मैक्सिमम ए होगा फिर बी होगा फिर सी होगा, तब जब बी पर आएंगे तो बी में जब आएंगे तो सी भी नेगेटिव हाफ होगा तो कुछ इस तरह से होगा, ए भी नेगेटिव हाफ होगा तो कुछ इस तरह से होगा। तो रिजल्टेंट फ्लक्स का जो डायरेक्शन हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी जो रिजल्टेंट फ्लक्स का डायरेक्शन होगा कुछ इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फ्लक्स होगा। सिमिलरली जैसे जैसे टाइम पास हो रहा था उसे सिमिलरली हम लोग सी पॉइंट में जब आएंगे सी में तो सी जो डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन ऐसा होगा और ए नेगेटिव हाफ बी नेगेटिव हाफ,
तो रिजल्टेंट जो फ्लक्स होगा इस केस में भी वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में हम लोग देख सकते हैं। यहां से हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि व्हेन वी स्मूथली गो अलोंग दिस सर्कल, दिस टाइम व्हेन पासेस है ना, देयर विल बी स्मूथ रोटेशन अलोंग दिस सर्कल, स्मूथ रोटेशन अलोंग दिस सर्कल एंड हियर दैट ईएमएफ फियर दैट फ्लक्स दिस फ्लक्स इज रोटेटिंग लाइक इट। Whenever time passes, phase A, phase B, phase C, then the resultant flux, see here, rotating at a resultant A, B and C. So, this is the rotating flux when stator means three phase supply is given to the stator. Then, due to the sinusoidal current at a time A, B and C, when time passes, then the flux is rotating like this, see here, A, B and C. So once we have the rotating magnetic field which is rotating inside the machine like in this circular way, so magnetic field here in a space keep rotating, magnetic field keep rotating matlab yahan par hum log simply dekh sakte hain ki suppose that ye jo hai jo hum log rotating magnetic field hai kuch is tarah se, hum log yahan par मेटल लेते हैं और ये रोटर का कंडक्टर होगा, जगह रोटर का कंडक्टर, जब ये मशीन्स के अंदर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है उसी को हम लोग सिंक्रोनस स्पीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंक्रोनस स्पीड, द स्पीड एट विच द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स रोटेटिंग इज कॉल्ड सिंक्रोनस स्पीड। तो ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि जैसे ही हम लोग थ्री फेज सप्लाई स्टेटर का वाइंडिंग में देंगे तो फाइस जो नेचर है ए बी एंड सी देख रहे हैं, तो एट ए इंस्टेंट में रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, फिर रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन, हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यहां से रोटेशन शुरू हो रहा है। सो वंस हम लोग का एक बार जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग का रोटर का कंडक्टर, ठीक है, हम लोग का रोटर का कंडक्टर एक्चुअली शॉर्ट है, या तो स्लिप रिंग ले लें या स्क्वायरल केज ले लें। यदि स्क्वायरल केज लेते हैं तो हम लोग का क्या था, इन रिंग के थ्रू से शॉर्ट रहता है, इन रिंग के थ्रू से, अगर स्लिप रिंग लेते हैं तो उसको हम लोग रोटर का जो वायर होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। देख रहे हैं इस तरह से मशीन से जैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड करेगा। वो कैसे करेगा देख सकते हैं, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आप लोग को पता होगा कि व्हेनेवर, यदि हम लोग सिंपल मोटर का प्रिंसिपल के बारे में जानते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि व्हेनेवर any conductor is placed inside the magnetic field, then there will be a force is induced, Lorentz force, जिसको हम लोग कहते हैं कि Lorentz force, when कोई भी current carrying conductor को ऐसे ही magnetic field में हम लोग put करते हैं तो force will be developed, and due to this force, torque will be produced, जो हम लोग Fleming left hand rule से force का direction को पता कर सकते हैं। तो actual में यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं वो आप लोगों को जो है कि बता रहा हूँ। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जैसे कि हम लोग को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है कि मिल गया इस फैशन में, ये इस तरह से हम लोगों का एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो देख रहे हैं ये तो मिल गया, और रोटर का कंडक्टर है, ठीक है। अब जैसे कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल गया रोटर कंडक्टर, सो ये क्या करेगा, दिस रोटेटिंग फील्ड कटिंग दिस रोटर कंडक्टर, दिस रोटेटिंग फील्ड सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, व्हेनेवर कटिंग सिंपली कटिंग दिस रोटर कंडक्टर, कटिंग दिस रोटर कंडक्टर व्हाट विल हैपन। तो जैसे ही हम लोग जानते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देयर इज इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक ना। सो कटिंग दिस रोटर कंडक्टर एंड as this is cutting the rotor conductor, there is current which is
गोइंग व्हिच इज फ्लो थ्रू द रोटर कंडक्टर फ्लो थ्रू द रोटर कंडक्टर. तो जैसे ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर कंडक्टर को जो कट करना शुरू करेगा तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा क्योंकि रोटर कंडक्टर से यहां पर प्रोड्यूस होगा जो आई करंट मान लेते हैं. ठीक है, तो हम जानते हैं एज पर द लॉरेंज फोर्स, ये आप लोगों को पता होगा लॉरेंज फोर्स का कॉन्सेप्ट जो एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा. लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स क्या कहा है कि एफ इक्वल टू इसे बी आई एल साइन थीटा मैक्सिमम के लिए बी आई एल. तो ये फोर्स जो होगा लॉरेंज फोर्स हम लोग यहां पर डेवलप होगा. और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये भी पता होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसे हम लोग फोर्स का डायरेक्शन को पता करेंगे. ठीक है, अब ये क्या है कि जो एट ए इंस्टेंट में हम लोग का रोटर का जो कंडक्टर रहता है वो क्या रहता है स्टेन स्टील में, ये तो स्टेशनरी रहेगा, ये क्या है स्टेशनरी रहेगा, है ना. अब ये जो फ्लक्स है ये तो रोटेट करना शुरू कर दिया है. ठीक है, अब इसके बीच में जो रिलेटिव स्पीड होगा, जो रिलेटिव स्पीड का जो हम लोग बात करेंगे वो तो बहुत अभी ज्यादा है क्योंकि रोटर स्टेशनरी है. तो रिलेटिव स्पीड ज्यादा होने के कारण लार्ज अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होगा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि इनिशियली जो है इनिशियली व्हाट हैव इनिशियली व्हेन द रोटर आर नॉट रोटेटिंग then the field is rotating, at whatever the applied frequency and there is what very large relative speed इसके बीच में between rotating magnetic field और stationary rotor conductor लार्ज रिलेटिव स्पीड बिटवीन किसके किसके बीच में रोटेटिंग मैग्नेटिक शॉर्ट फॉर्म में ले देते हैं RMF रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टेशनरी क्या रोटर कंडक्टर है ना, रोटर का कंडक्टर तो अभी घूम नहीं रहा है तो क्या होगा रिलेटिव स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगा. ठीक ना, जिसके कारण क्या होगा रोटर कंडक्टर जिसके कारण क्या होगा and therefore इसके कारण क्या हो जाएगा वेरी लार्ज करंट को इंड्यूस होगा therefore a very large current is induced in the rotor. अब ज्यादा करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा तो टॉर्क डेवलप हो जाएगा है ना, इंड्यूस्ड इन द रोटर टू गिव क्या करेगा यहां पर एक लार्ज ह्यूज टॉर्क देगा, गिव अ ह्यूज टॉर्क. अब ये टॉर्क क्या करेगा रोटर का स्टार्ट रोटेटिंग एंड देन द रोटर start rotating, क्योंकि जैसे ही टॉर्क वहां पर करेगा लॉरेंट्ज़ फोर्स से हम लोग का डायरेक्शन पता चल जाएगा तो वो टॉर्क हम लोग को क्या करेगा ह्यूज टॉर्क एंड रोटर स्टार्ट रोटेटिंग. और ये जो ये एक्चुअल में जो रोटर का जो मैग्नेटिक रोटरी मैग्नेटिक फील्ड है और रोटर क्या कोशिश करेगा कि ट्राई टू कैच अप विद द मैग्नेटिक फील्ड एंड
and tries to catch up the what? Try to catch up of the magnetic field. Magnetic field. तो जैसे ही रोटर का स्पीड बढ़ना शुरू करेगा, सिंक्रोनस स्पीड के नजदीक आना शुरू करेगा, तो क्या होगा? रिलेटिव स्पीड डिक्रीज करेगा, है ना? जैसे क्या होगा? रिलेटिव स्पीड एंड द रिलेटिव स्पीड स्टार्ट डिक्रीजिंग. इससे क्या होगा? हम लोगों का जो इंड्यूस्ड करंट वोल्टेज वो भी तो घटना शुरू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? सो जैसे ही इसका स्पीड, रोटर का स्पीड हम लोग का बढ़ते जाएगा, और जैसे ही वो एनएफ के करीब पहुंचने लगेगा, तो इंड्यूस्ड करंट और वोल्टेज घटने लगेगा। ऐसा समय आएगा यदि हम लोग सिंक्रोनस स्पीड में यदि रोटर पहुंच जाए तो कोई भी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसके कारण कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस हम लोग का नहीं होगा, है ना? इसके कारण ही हम लोग तो इंडक्शन मोटर को कहते हैं कि ये सिंक्रोनस स्पीड में रन नहीं होगा। दैट्स व्हाई दिस मोटर इज आल्सो नोन एज ए सिंक्रोनस मोटर। सो सिंपली हम बोल सकते हैं कि सो एज द, थोड़ा सा लिख दे रहा हूं ताकि हम लोग को नोट्स बनाने में अच्छा रहे। सो रिलेटिव स्पीड स्टार्ट डिक्रीजिंग द इंड्यूस्ड करंट इन द रोटर ऑल्सो सो एज रिलेटिव स्पीड स्टार्ट डिक्रीजिंग द इंड्यूस्ड करंट इन द रोटर, देयर बाय वॉट? रिड्यूसिंग द टॉर्क टू ए स्टेडी स्टेट वैल्यू। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो इंडक्शन मोटर होता है, ठीक ना, वो कभी भी सिंक्रोनस स्पीड में रन नहीं करेगा। जैसे ही क्योंकि जाएगा तो वो इंड्यूस करंट और जीरो हो जाएगा। सो जिसके कारण दिस मोटर इज ऑल्सो नोन एज ए सिंक्रोनस मोटर। हाँ, और एक चीज क्या है, दिस मोटर इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ये सब पॉइंट कुछ याद रखना चाहिए। थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है? इज सेल्फ स्टार्टिंग, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, ये जो है कि हम लोग का स्टार्ट हो जा रहा है ना। और दिस मोटर इज वाई इंडक्शन मोटर, क्योंकि यहाँ पर जो एक्चुअली इंड्यूस्ड वोल्टेज रोटर में इंड्यूस्ड हो रहा है ना, जिसके कारण टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके कारण इसको हम लोग इंडक्शन मोटर कहते हैं हम लोग इसका सीधे बोलते हैं। तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा, सबसे पहला चीज कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट में क्या समझ में आया कि थ्री फेज सप्लाई हम लोग देंगे, जिसके कारण हम लोग का फेज ए, फेज बी, फेज सी, जैसे जैसे टाइम पासिस होगा वो मैग्नीट्यूड, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग का रिजल्टेंट फ्लक्स निकलेगा, और रिजल्टेंट फ्लक्स जो है कि ए बी सी में हर डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थ्री फेज सप्लाई देने के कारण हम लोग का होगा। और यही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को मिल जाएगा तो रोटर का कंडक्टर जो होता है ऑलरेडी सॉर्टेड है, यदि हम लोग स्पाइरल केज ले रहे हैं तो उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो रोटर का जो कंडक्टर से है वहाँ पर हम लोगों का इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, और ये इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा जिसके कारण हम लोग का जानते हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स एफ इक्वल टू बी आई एल होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से राइट हैंड यदि हम लोग निकालेंगे तो वो डायरेक्शन से हम लोगों का क्या होगा, एक अपोजिट नेचर का फोर्स और टॉर्क डेवलप होगा, और वो क्या करेगा, उसमें मोटर को मोशन में लाएगा। सो रोटर तो स्टेशनरी कंडीशन में रहेगा, जिसे रिलेटिव स्पीड क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, इंड्यूस करंट और इंड्यूस टॉर्क बहुत ज्यादा होगा, जिसके कारण रोटर जो स्टार्ट टू रन, और हमेशा जो रोटर चाहेगा कि वो क्या करेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को कैच करेगा, लेकिन वो जैसे ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के नजदीक पहुंचेगा तो क्या होगा, रिलेटिव स्पीड घटने लगेगा, जिसके कारण इंड्यूस करंट वोल्टेज घटेगा, टॉर्क घटना लगेगा। इसीलिए कभी भी ये मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर रन नहीं करेगा, जिसे कहने इसको ए सिंक्रोनस मोटर कहते हैं, ठीक है।
तो आई होप जो है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कोई भी सप्लाई 3 फेज देने पर मोटर कैसे रन करेगा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्पीड स्लिप का कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडक्शन मोटर के केस में। स्लिप का कॉन्सेप्ट, रोटर का करंट, रोटर का फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट, और एनालिटिकल अप्रोच से जो फ्लक्स हम लोग का जनरेट होता है इनसाइड द मशीन, वह इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, और उसका जो पोजीशन होता है डिपेंडेंट अपॉन द टाइम, ये सब का भी डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को दिखाएंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, रखते हैं अभी, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।